पब्लिक से मोहम्मद बिन मारूफ सिद्दीकी और मैं आज आपके साथ रहीकुल मखतूम से सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली वही का वाक़ आपके साथ शेयर करूँगा। सीरत निगारी अपने फ़न के एतबार से पुलिस रात पर चलने का नाम है। गुज़िश्ता 14 सदियों में सैकड़ों किताबें सीरत पर लिखी जा चुकी हैं, मगर फिर भी सिलसिला ताबद जारी रहेगा। सीरत के ऊपर अहल कलम ने कई खूबसूरत किताबें तहरीर की हैं, मगर रहीकुल मखतूम उन सब में ऐसे ही नुमाया है जैसे जुल्मत शब में चांद तारों की जोफिशानी। वाक़यात का इंतखाब, लवाजमे की फराहमी और तरतीब, ज़बान में दस्तरस, रोज़मर्रा और मुहावरे पर गिरफ्त तक रसाई ने इस किताब की इल्मी और तहक़ीकी हैसियत को नुमाया किया है। रहीकुल मखतूम असलन अरबी ज़बान में ही लिखी गई थी और इसे इस किताब के साज़िल मुसन्निफ़ ने ख़ुद ही इतनी खूबसूरती से तर्जुमा किया है कि इसे इस पर तर्जुमे होने का गुमान ही नहीं होता। इस किताब को राबते आलम इस्लामी के तहत मुनक़द होने वाले बैन अल-अक़वामी मुकाबले सीरत निगारी में पेश किया गया, जिसमें इसे 171 मुसव्विदों में से अव्वलीन ठहराया और 50,000 रियाल के खतीर इनाम का मुस्तहिक़ साबित किया। मुसन्निफ़ मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी का शुमार मुमताज़ उलमा में होता है। आप मारूफ फिल्मी खानवादा से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने छोटी बड़ी 21 किताबें अरबी और उर्दू में तहरीर की हैं, मगर सर फहरिस्त यही किताब है। उसवा हसना से आगही और रोशनी हासिल करने के लिए इस किताब का मुताला बेहद ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद उन तमाम खूबियों और कमालात का जामे था जो मुतफर्रक तौर पर लोगों के मुख्तलिफ तबकात में जामे मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादाब अकल और रोशन फितरत से ज़िंदगी के सहीफे, लोगों के मामलात और जमातों के अहवाल का मुताला किया और जिन खुराफात में ये सब मुबतला थी उनसे सख्त बेजारी महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू से ही इन बातिल माबूदों से इतनी नफरत थी कि आपको लात उज़्ज़ा की कसम सुनना भी गवारा ना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 बरस हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनहाई महबूब हो गई। चुनांचे आप गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए खाना पानी भी ले जाते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो हज़रत खदीजा भी आपके साथ जाती और करीबी में कहीं क़याम करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रमज़ान अदर क़याम करते, इसके लिए आप पूरा वक्त कायनात पे गौर करते और कायनात के पीछे कार फरमा कुदरत नादा पे गौर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के अकायद पर बिल्कुल इत्मीनान न था, मगर आपके सामने कोई वाज़ह रास्ता भी न था। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हो गई और कहा जाता है कि यही बेअसत की उम्र है, तो आसार नबूवत चमकना और जगमगाना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सपीदे सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया। इसके बाद जब हिरा में खिलवत नशीनी का 3रा साल आया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि ज़मीन के बाशिंदों पर उसकी रहमत का फैज़ान हो। चुनांचे उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सूरह अल की इब्तदाई 5 आयतें लेकर नाजिल हुए। मुसन्निफ़ के मुताबिक ये वाक़िया जो है ये 610 ईस्वी 10 अगस्त को पेश आया। आइए अब ज़रा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की ज़बानी ये वाक़ सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा ख्वाब में हुई। आप सल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सपीदे सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार जाते तो साथ में खाना भी ले जाते, और जब खाना ख़त्म होता तो वापस आते और फिर से खाना लेके गार में चले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लम के पास हक आ गया और जो फरिश्ता था वो आप सल्लम के पास आयतें लेके आ गया। उसने आके कहा, पढ़ो। हुज़ूर सल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो उसने उन्हें ज़ोर से पकड़ के भिंचा और हुज़ूर सल्लम फरमाते हैं, मुझे अपनी क़ुव्वत निचोड़ती हुई महसूस हुई। फिर उसके बाद उसने छोड़ा और कहा, पढ़ो। हुज़ूर सल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर से उसने उन्हें भेजा और फिर छोड़ कर कहा, पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर से उन्हें इस भेजा और अब की दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अपनी सांस ख़त्म होती हुई महसूस हुई। और फिर उसने छोड़ कर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलक़ल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम। और इस तरह सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयतें नाजिल हुई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा से कहा, मुझे चादर उड़ा दो। तो हज़रत खदीजा ने उनको चादर उड़ा दी और वो जाके बिस्तर पर लेट गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ जाता रहा। फिर उन्होंने उठ के हज़रत खदीजा से कहा, अब क्या होगा, मुझे तो अपनी जान का ख़तरा महसूस होता है।
हज़रत खदीजा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा कतन नहीं, बखुदा आप तो आपको अल्लाह ताला रसवा हरगिज़ नहीं करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी ताला उनको अपने चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफिल के पास ले गई। वरक़ा बिन नौफिल इस वक्त तक बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे, चुनांचे उन्होंने हज़रत सल्लम ने सारी ज़बानी तफसीलात वरक़ा को बता दी। वरक़ा ने कहा ये तो बखुदा ये तो वही नाम मूसा अकबर है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, आप तो इस उम्मत के नबी होंगे, काश मैं उस वक्त तवाना होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कौम निकाल देगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मुझे मेरी कौम निकाल देगी? तो वरक़ा ने कहा हाँ, अब तक जो भी नबी आया है हर उसके साथ यही हुआ है, और अगर मैं उस वक्त ज़िंदा हुआ तो फिर मैं तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। और उसके बाद वरक़ा जल्द ही वफ़ात पा गए और वही क़यामत रुक गई। तो दोस्तों ये था वो वाक़िया कि जिसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का मनसब अता किया गया। पहली वही में नाज़िल शुदा ये पांच आयात हमें इल्म और अहले इल्म की इफादियत और अहमियत को बयान करती हैं और अहले ईमान को पैगाम देती हैं कि इल्म और अहले इल्म से वाबस्ता होकर ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी ज़िंदगी के हर मरहले में अता करे।